देखिए, जहाँ तक कि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी का सवाल है, अभी तक हमारे पास कोई इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि उनको मना कर दिया गया है। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर हम किसी भी तरह का कोई इंडिफरेंस देखते हैं या कहीं पर इस तरह की ये व्यवस्था देखते हैं कि जहाँ पर हमारे साथ किसी तरह से गठबंधन करने के ये लोग तैयार नहीं हैं, तो हम भी कोई मजबूर नहीं है गठबंधन करने के लिए। और अगर जो जैसी जैसी परिस्थितियाँ बनती जाएंगी, वैसे वैसे इस चीज़ का आंकलन होता रहेगा। और अभी मेरा मानना है कि कुछ जल्दी भी है इस चीज के ऊपर कोई निश्चित कोई बयान देना या कोई बात करनी। और अनुप्रिया पटेल की नाराजगी सामने इस समय आई है, तो अनुप्रिया पटेल जी भी कांग्रेस की तरफ मूव हो रहे हैं, मायावती तरफ, दो की तरफ देख रहे हैं, क्या इसमें आप क्या सोचना है? देखिए, बीजेपी से कि जितने भी उनके साथी सहयोगी लोग थे, वो आज सभी उनकी प्रक्रिया से, उनकी मानसिकता से, उनके जो नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके चल रहे हैं, उससे सब लोग खिन्न रहे हैं। और शायद चुनाव का ही समय होता है कि जहां पर लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अलग हटाकर और जो एक विकास का रास्ता है उसकी तरफ को देखते हैं। और कांग्रेस से बेहतर विकास का रास्ता दिखाने वाली कोई भी और पार्टी नहीं है इस देश को। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये जो गठबंधन की जो बीजेपी की प्रक्रिया थी, वो टूटेगी। और टूटकर इनके जो सो कॉल्ड सहयोगी हैं, वो कहीं ना कहीं आकर हमसे मिलेंगे। क्या शिवपाल भी जो है दामन थाम लेते कांग्रेस का? कोई इसमें बहुत ज्यादा विचारणीय बात नहीं है, क्योंकि वो खुद भी जब सापा से वो हटे थे, तो उनका कुछ नाराजगी थी सापा से, और सापा ने उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है। और मैं मानता ही हूँ, क्योंकि वो भी एक सेकुलर पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है कि जो एक विकास की बात करती है और सबको एक साथ ले चलने की बात करती है, तो उसके तहत कोई इसमें कोई वो नहीं होगा कि वो हमारे साथ ना आए।